यूक्रेन की सेना ने रूस के कब्जे वाले इलाके बर्द्यांस्क में ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसाईं। यूक्रेन की तरफ से इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें रूस के कब्जे वाले इलाके में मौजूद बंदरगाह पर मिसाइलें गिरती दिखाई दी। यह हमला इतना ताकतवर था कि उस बंदरगाह से काले धुएं का गुबार उठता नजर आया। यूक्रेन ने दावा किया कि उसकी सेना ने यह हमला रूस के कब्जे वाले इलाके बर्द्यांस्क के बंदरगाह पर किया, जो यूक्रेन के ज़ापोरिज़्या इलाके में मौजूद है। यूक्रेन ने दावा किया कि इस हमले में पुतिन की सेना को भारी नुकसान पहुंचा, क्योंकि इसी बंदरगाह का इस्तेमाल रूस अपनी सेना को हथियार पहुंचाने के लिए करता था। और यूक्रेन ने दावा किया कि जिस वक्त यह हमला हुआ, वहां रूस ने भारी मात्रा में हथियार इकट्ठा कर रखे थे। इस बीच पुतिन के दोस्त लुकाशेंको ने पश्चिमी देशों पर बेलारूस में तख्ता पलट की साजिश रचने का आरोप लगाया। पिछले 15 महीनों से जारी इस जंग में बेलारूस पुतिन के साथ खड़ा, और बेलारूस की ही जमीन का इस्तेमाल कर रूस ने पिछले साल 24 फरवरी को यूक्रेन पर धावा बोल दिया था। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि जंग में रूस का साथ देने की वजह से ही बेलारूस पश्चिमी देशों के निशाने पर है, लेकिन अब राष्ट्रपति लुकाशेंको ने आरोप लगाया कि अमेरिका की अगुवाई में कई पश्चिमी देश बेलारूस में तख्ता पलट की साजिश रचने में जुटे हैं, जिसके लिए यूक्रेन और नेटो के देश पोलैंड और लिथुएनिया साथ मिलकर लड़ाकों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, ताकि वो बेलारूस पर हमला कर वहां दहशत फैला सके। उनका यह भी आरोप है कि पश्चिमी देश यूक्रेन को बिना सोचे समझे हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से जंग लंबी खिंचती जा रही है। वहीं आर्थिक संकट में फंसा पाकिस्तान अब ईरान, रूस और अफगानिस्तान से मदद की उम्मीद लगा रहा है। चीन, अमेरिका और IMF से निराश होने के बाद पाकिस्तान अब कुछ नया करने की कोशिश में। आर्थिक संकट में फंसे देशों को कर्ज देने वाले संगठन IMF से बेलआउट पैकेज मिलने की उम्मीद अब पाकिस्तान भी छोड़ चुका है, और इसीलिए अब वो अपने पड़ोसी देश ईरान से उम्मीद लगा रहा है। आर्थिक प्रतिबंधों को झेल रहे ईरान को कच्चा तेल बेचने के लिए ग्राहक चाहिए, जबकि पाकिस्तान को बिना डॉलर खर्च किए कच्चा तेल बेचने वाला देश चाहिए। इसलिए पाकिस्तान की कोशिश है कि वो अमेरिका के प्रतिबंध झेल रहे रूस और ईरान से कच्चा तेल हासिल कर पाए। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली है और कच्चा तेल खरीदने के लिए उसे डॉलर ही खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन रूस और ईरान के साथ पाकिस्तान की इस तरह की डील अभी केवल पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्रालय के प्रस्ताव में है। इधर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माफिया सरगना और पूर्व विधायक विजय मिश्रा के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन देखने को मिला। वहां विजय मिश्रा की करोड़ों की अवैध संपत्ति कुर्क की गई, और इस दौरान पुलिस ने ढोल बजवाकर कुर्की का ऐलान किया और उस आलिशान मकान को सील कर दिया। आरोप है कि ये प्रॉपर्टी विजय मिश्रा की बेनामी संपत्ति है, जिसे मनीष मिश्रा के नाम पर खरीदा गया था। 8,30,00,000 रुपए इसकी अनुमानित कीमत है। उत्तर प्रदेश में भदोही जिले के ज्ञानपुर से पूर्व विधायक और माफिया सरगना विजय मिश्रा पर धोखाधड़ी और धमकी समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस वक्त विजय मिश्रा आगरा जेल में बंद है। उधर दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस ने मुठभेड़ में कुख्यात बदमाश मोनू चौधरी को मार गिराया। मोनू पर 50,000 का इनाम था और यूपी पुलिस को उसकी काफी दिनों से तलाश थी, जो पूरी हुई और पुलिस ने 50,000 के इनामी बदमाश मोनू चौधरी को मुठभेड़ में मार गिराया। लेकिन मुठभेड़ के दौरान 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये मुठभेड़ गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके में हुई। मोनू चौधरी का नाम प्रॉपर्टी विवाद में मुकेश गोयल की हत्या मामले में सामने आया था, और उसी समय से पुलिस मोनू चौधरी की तलाश में थी। पिछले 2 महीने में बदमाश मोनू के खिलाफ हत्या के 2 केस दर्ज हुए थे। इसके अलावा मोनू पर हत्या, लूट और रंगदारी समेत 12 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। कुछ समय पहले गाजियाबाद पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मोनू की 29 करोड़ रुपए की संपत्ति भी कुर्क की थी।